हे गाइस, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि जूनियर असिस्टेंट और पटवारी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ताकि आपको एक तरह से अंदाज़ा लग जाए कि कब तक इसका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर आपकी जो प्रेपरेशन है उसको बूस्ट कर सकें। सबसे पहले तो बात करेंगे, JKSSB अभी पटवारी का एक एग्ज़ाम हो चुका है, अब इसका दूसरा एग्ज़ाम होगा और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग इस महीने एंडिंग तक चलेगी और इसी के बाद जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट एंडिंग में एक और टॉपिक है, यानी कि इसके MCQ मॉक टेस्ट कैसे आपको फ्री में यहाँ पे डाउनलोड करने हैं और कैसे आप अटैम्प्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, ये मैं आपको बताऊंगा। डेली यहाँ पे MCQ और मॉक टेस्ट डाले जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी डाले जाते हैं, तो वो अलग से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले तो बात करें कि JKSSB पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का जो अभी फ़िलहाल पेंडिंग में है एग्ज़ाम, उसको लेकर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है। सबसे पहले तो बात करें पटवारी का, सबसे पहले आपका पटवारी का एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्सेज जो अभी फ़िलहाल अपडेट निकल के सामने आती है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 2024 में इसका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी कोई एग्ज़ाम रहता है उससे JKSSB 30 या 35 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देती है कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट अगर इसका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपको कोई ना कोई हमें नोटिस देखने को मिल सकता है पटवारी को लेकर, क्योंकि पटवारी का जो ऑलरेडी फर्स्ट एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा चुका है, अब इसका सेकेंड एग्ज़ाम ही बचा है। और दूसरी बात करें यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट की अभी टाइपिंग चल रही है, आप सभी को पता है इस महीने एंडिंग तक टाइपिंग चलेगी। फिर उसका ये जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ये बाद में हो सकता है, मतलब अगस्त एंडिंग या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक ऑफ कह सकते हो कि फर्स्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये लगा के चलिए कि पटवारी का आपका एग्ज़ाम जो है रहने वाला है और जूनियर असिस्टेंट का जो इसका एग्ज़ाम है वो दोस्तों बाद में होगा। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जूनियर असिस्टेंट के पटवारी के जितने भी MCQ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं वो कहाँ पे करवाए जाते हैं। दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे लिंक दिए गए इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो सिंपली आपको नेम पर क्लिक कर देना है, ऊपर जो नेम आपको यहाँ पर दिख रहा है देख सकते हैं, नेम पर आपको क्लिक कर देना है। नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टडी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज डेली होती है, क्यूज, मॉक, स्टडी मटेरियल सब आपको एक ही ग्रुप में देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधे एक ही ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर JKSSB के रहे हैं और भी न्यू से न्यू आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली यही था। और दोस्तों जितने भी आगे अपडेट रहेंगे, कोई ऑफिशियल अपडेट भी आता है वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी वेटरनरी के जितने भी अपडेट आए हैं और भी जितने भी अपडेट आए हैं छोटे से छोटे, तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो, और जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।